वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर टू लक्ष्य साधना। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कौरवों पांडवों की धनुर्विद्या का परीक्षा का वर्णन है। यानी ये पाठ किसके बारे में है, तो द्रोणाचार्य द्वारा जो परीक्षा ली गई थी कौरव और पांडवों की धनुर्विद्या चेक करने की, उसका वर्णन इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। फिर देखते हैं पाठ का उद्देश्य कि ये पाठ किस उद्देश्य से हमारे टेक्स्ट बुक में रखा गया है। तो अभ्यास से योग्यता बढ़ाना तथा लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होने की सीख देना है। ये पाठ का उद्देश्य क्या है कि ये पाठ से हमारी अभ्यास के प्रति योग्यता बढ़ती है तथा लक्ष्य के प्रति हम एकाग्र होते हैं। यह मोरल देना ये कहानी का उद्देश्य है। ओके, अब देखेंगे कहानी को। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के विचार से सभी शिष्यों को बुलाया। धनुर्विद्या का मतलब होता है धनुष बाण चलाने की विद्या। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसका ही परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान। इम्तिहान लेने के लिए सब शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पेड़ की एक डाली पर मिट्टी की चिड़िया रखी और बोले, आप सभी को बारी बारी से चिड़िया की आंखों पर निशाना लगाना है। जो भी लक्ष्य पर निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। ओके, तो उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और बुला के कहा, परीक्षा के बारे में बताया कि परीक्षा किस प्रकार की है, किसकी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप सबको बारी बारी से पेड़ के ऊपर एक रखी चिड़िया थी, मिट्टी की बनाई हुई चिड़िया, उसके ऊपर निशाना लगाना है और जो भी निशाना लगा देगा उसको वो एग्जाम में सफल हो जाएगा, यानी विजयी घोषित किया जाएगा। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य या फिर कोई निशाना। ओके, अभी आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सामने पिक्चर भी दिया गया है जिसके अंदर गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्य को ये बात बता रहे हैं। ओके, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा, लक्ष्य की ओर देखने पर आप सबको क्या दिखाई दे रहा है। यानी लक्ष्य के लिए निशाना साधने के लिए जैसे ही शिष्य खड़ा होता तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे एक सवाल पूछते थे कि लक्ष्य की ओर देखने पर आपको क्या दिखाई देता है, लक्ष्य के सामने देखते हो तो आपको क्या दिखता है। वहां पे ये सवाल उन्होंने सबसे पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे आप मेरे भाई पेड़ और उस पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है। युधिष्ठिर क्या उत्तर देता है कि मुझे आप यानी गुरु द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, मेरे भाई दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है और उसके ऊपर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है। ऐसा उत्तर किसने दिया? युधिष्ठिर ने दिया। क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, क्या तुम पेड़ पर रखी चिड़िया देख रहे हो? यानी गुस्सा होकर ये युधिष्ठिर के उत्तर से वो क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से ये सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो पेड़ के ऊपर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है? तो दुर्योधन बोला, मैं आसमान, पेड़ और उस पर रखी चिड़िया देख रहा हूँ। अभी दुर्योधन क्या उत्तर देता है कि मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पेड़ के ऊपर रखी चिड़िया भी दिख रही है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कुमार दुर्योधन, यह गदा युद्ध नहीं, जाओ और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। यानी द्रोणाचार्य दुर्योधन के उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दुर्योधन को कहा कि ये गदा युद्ध नहीं है और अपने जगह पर बैठ जाने के लिए कहा। ओके, यहाँ पे नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अब आगे देखेंगे। अब भीम की बारी थी, यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन के बाद अभी भीम का टर्न आया था। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम को बुलाया और वही प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है, जो उन्होंने युधिष्ठिर से और दुर्योधन से भी किया था वही प्रश्न उन्होंने भीम से किया। भीम ने कहा, गुरुदेव, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। क्या उत्तर दिया भीम ने गुरुजी को? कि गुरुजी, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ, मतलब वहां आसपास जितने भी खड़े हैं उन सभी को देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य बोले, भीम, निशाना लगाना तुम्हारा काम नहीं, जाओ जाकर अपने भाइयों के पास बैठ जाओ। क्या करते हैं गुरुजी? गुरुजी भीम के उत्तर से भी निराश होते हैं। युधिष्ठिर के उत्तर से और दुर्योधन के उत्तर से तो नाराज थे ही, भीम के उत्तर से भी नाराज होते हैं और वो भीम को बैठ जाने का कहते हैं और कहते हैं कि तुम निशाना लगाना तुम्हारा काम
नहीं, जाओ तुम्हारे भाइयों के साथ जाके बैठ जाओ। गुरुदेव के आदेश से भीम जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। उनका आदेश सुनकर क्या किया भीम ने, वहां से चले गए और अपने भाई जहाँ पे बैठे थे उनके साथ बैठ गए। ओके, ये वीडियो के अंदर हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।